Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 57 for that topic human reproduction. Now here we shall end that topic in this lecture. I told you in the earlier video, but some of the points are to be discussed, that's why I extended one more video there. Okay, particularly the twins, jiske bare mein bahut curiosity hai, that how the twins are born there. And their types. तो यहाँ पे questions आ सकते हैं, okay? Now twins के बारे में तो मेरे ख्याल से आपने 10th में भी learn कर लिया है, so you are knowing very well then. But just a revision I will say. Generally, most commonly I will say that human female releases only one egg during that menstrual cycle on 14th day. That is called the ovulation day. We know. जनरली एक ही एग रिलीज हुआ जाता है, आइदर फ्रॉम राइट ओवरी और फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी. एंड व्हेन दैट अंडरगो, स्पर्म्स तो मिलियंस में रहते हैं विच आर रिलीज इन द वजाइनल कैनाल एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन. ओके, सो स्पर्म्स आर वेरी एबंडेंट, बट मोस्टली वन एग इज देयर. सो व्हेन दैट एग गेट्स फ्यूज विद द स्पर्म, जायगोट इज फॉर्म. And a that embryo will develop from that. That will be single embryo, and a single fetus will develop. That means single baby will be delivered at the time of parturition. तो कभी अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट अगर किसी का आपने देख लिया तो आपको पढ़ने में आएगा सिंगल फीटस ऐसा देते हैं वहां, यानी एक है, ओनली वन. ट्विन से तो दो वन बता देंगे. ओके, ईडीडी दिया होता है. ईडीडी का मतलब मैंने बता दिया लास्ट में, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, या ईपीडी कहते हैं, एक्सपेक्टेड पार्चुरेशन डेट. ओके, तो ये जो है, या एक्सपेक्टेड कंसाइनमेंट डेट भी कहते हैं उसे, कंसाइनमेंट जो दिया है वो कब पूरा होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द पार्चुरेशन. ईसीडी भी कहते कहीं पे. तो जनरली ये तीन टर्म्स होते हैं. अभी ट्विन्स कैसे होते हैं देखो, पर्टिकुलरली that there are two types of the twins there. One is known as monozygotic and the other is known as dizygotic. So naam se hi aapko pata chal jayega what is monozygotic twin, what is dizygotic twin. Very easy. Now monozygotic twin mein kya hota hai dekho, that in monozygotic twin particularly only one zygote is formed. यानी यहां पे क्या होता है, दैट ओनली वन एग इज रिलीज, ओनली वन एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी. ओके, एंड दैट गेट फर्टिलाइज. सिंगल एग गेट्स फर्टिलाइज. तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तैयार करेगा, दिस विल प्रोड्यूस नो डाउट that part of the zygote, producing single zygote. ये एक ही zygote बना देगा, single zygote. Okay. Now the story starts from this. यहां से थोड़ा difference हो जाता है, एक ही एक बन गया, उसका फलन हो गया, एक zygote बन गया. पर यहां से अभी कहानी में twist है. Now what happened there? This zygote is there going to divide into two cells there. फिर वो दो cells एक के साथ जुड़े रहते हैं, फिर दो के चार होते हैं, चार के आठ होते हैं, आठ के 16 होते हैं, ऐसा चलते रहता है. And we get morula embryo, that we know. पर यहां पर क्या होता है, that whatever the single zygote is there, that is undergoing the division. After division, it produces two cells which get separated. 99% और 99.99% में सेपरेट हो जाते हैं ये दो सेल्स, एंड दे विल एक्ट एज द दैट सिस्टर जायगोट्स. दे आर कॉल्ड एज द टू सिस्टर जायगोट्स. ओके, नाउ दिस जायगोट विल डेवलप इनटू वन इन्फेंट, एंड दिस जायगोट विल डेवलप इनटू वन इन्फेंट. एंड सिंस दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, दैट मीन्स ट्विन्स आर फॉर्म, and since they are produced from single zygote, they are called as monozygotic. इसको monozygotic twins कहते हैं. समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है.
दैट ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज फर्टिलाइज। फर्टिलाइज के बाद एक जायगोट हो गया। अब ये एक जायगोट जो है वो नॉर्मली डिवाइड होता है दो सेल में, दो से चार, चार से आठ। पर यहां पे क्या होता है, वॉट एवर द फर्स्ट डिविजन ऑकर्स इन द जायगोट, इट इमीडिएटली सेपरेट्स द टू सेल्स, टू डॉटर सेल्स, एंड दैट टू डॉटर सेल्स नाउ विल एक्ट एज टू सिस्टर जायगोट। फिर ये अलग एम्ब्रियो बना देगा, ये अलग एम्ब्रियो बना देगा, फिर इससे अलग एक फीटस बनेगा, इससे एक अलग फीटस बनेगा, एंड फाइनली टू फीटस विल गेट डिलीवर्ड वन आफ्टर अदर, एंड दैट आर कॉल्ड एज द मोनोजाइगोटिक ट्वींस। उनको मोनोजाइगोटिक ट्वींस कहते हैं। अब चलो इसको जेनेटिक मेकअप कैसा रहेगा बोल सकते हैं आप, सिंस इट इज डेवलप फ्रॉम सेम सेल देयर, ये भी वही सेल है। यहां पे जो माइटोसिस के बाद सेल जाएंगे, दे विल बी सेम क्रोमोसोम्स इन बोथ, डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स हो जाएगा, एंड सेम क्रोमोसोम सेट विल बी देयर इन बोथ, सो सेम जीन्स विल बी देयर इन बोथ, सो दे विल हैव, दीज ट्वींस विल हैव, दे हैव सेम जेनेटिक मेकअप, ये इंपॉर्टेंट है, सेम जेनेटिक मेकअप, पूरा प्लान उनमें दोनों में सेम हो जाएगा। Not only that, they are extremely identical. They are identical twins. ये बिल्कुल एक को छुपाओ और एक निकालो, ऐसे twins बन जाएंगे. They are identical twins. Okay? And they have same sex of same sex. यानि ये दो जो आने वाले हैं, either टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, क्यों सेक्स सेम होगा क्या बता सकते हैं आप दिमाग, क्योंकि झायगोट एक ही है, यानी ये झायगोट आइदर इट विल बी एक्स एक्स और इट विल बी एक्स वाई, तो ये दोनों भी वैसे ही हो जाएंगे ना, फिर आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई, फिर ये दोनों भी वैसे ही हो जाएंगे, आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर एक्स एक्स है तो दोनों भी सिस्टर्स है, एक्स वाई है तो दोनों भी ब्रदर्स है, वेरी सिंपल। दे आर कॉल्ड एज द आइडेंटिकल ट्वींस, दे आर कॉल्ड एज द मोनोजाइगोटिक ट्वींस, ये ध्यान में रखो। नाउ अनदर इज देयर दैट कॉल्ड द डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक में नॉर्मल है, डाइजाइगोटिक ट्वींस जो है उसमें क्या होता है, देखो पर्टिकुलरली इन डाइजाइगोटिक ट्वींस टू एग्स आर रिलीज, जनरली ऐसा होता नहीं, बट एज ए मिस्टेक ऑफ नेचर कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, राइट ओरी को बता देना चाहिए था भाई लेफ्ट ओरी को कि मैं अभी एक रिलीज करने वाले हूं, आप आराम से बैठो, पर नहीं बताया गया, एंड बोथ द ओरीज रिलीज द एग्स नियर अबाउट एट द सेम टाइम, तो ये सेम टाइम आना जरूरी है। तो एक ही दिन में ओव्यूलेशन डे में अगर दो ओवरीज ने दो एग्स रिलीज किए या दो एग्स एक ही ओवरी ने रिलीज किए, ऐसा नहीं बता सकते, सेम ओवरी में प्रोड्यूस टू और टू डिफरेंट ओवरीज में प्रोड्यूस टू, तो यहां पे तो सीधी बात हो गई, ये एक अलग एग है, ये एक अलग एग है, नाउ दिस विल गेट फर्टिलाइज, दिस विल गेट फर्टिलाइज बिकॉज स्पर्म्स आर एबंडेंट, सो दिस जायगोट विल बी फॉर्म देयर, okay, and this zygote will be formed there. Now they are separate, they are produced from separate egg. So इससे जो बनने वाले हैं twins, तो आप तो बिल्कुल difference कह सकते हैं that they are called as fraternal twins, या they are called as non-identical twins. Why are they so called? Why are they non-identical? Because they have different genetic makeup. They have different genetic makeup. Obvious है. Because the cells are different. थोड़ा उनमें similarity होगी no doubt. पर वो थोड़े अलग भी होंगे. Similarity ये इसमें थोड़ा little little change तो होगा ना, दो cell अलग है. Two eggs are separate here. And that's why their genetic makeup will be different. That's why two zygote will have different genetic makeup. And that's why these two embryo, two babies will be more or much similar, no doubt. Par thoda farak hoga, hum unko identify kar sakte hain.
और एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट दे मे बी मे हैव सेम और डिफरेंट सेक्स, ये भी अलग अलग हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट सेक्स दैट फॉर्चुनेटली एक तो दोनों भी क्या आसान है, बोथ ब्रदर्स, टू ब्रदर्स विल बी फॉर्म और टू सिस्टर्स विल बी फॉर्म और वन विल बी द ब्रदर दैट पर्टिकुलर बॉय एंड वन विल बी द गर्ल, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इसका जो आने वाला जायगोट है इट मे बी एक्स एक्स और इट मे बी एक्स वाई, ये भी वैसा इट मे बी एक्स एक्स और इट मे बी एक्स वाई। अब ये दोनों का परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, अगर फॉर्चुनेटली दोनों भी एक्स एक्स है टू सिस्टर्स, फॉर्चुनेटली दोनों भी एक्स वाई है देन दैट विल बी टू ब्रदर्स, पर एक अगर एक्स एक्स है और एक अगर एक्स वाई है देन ब्रदर सिस्टर विल बी देयर, ऐसे देखते हैं हम। तो दीज आर कॉल्ड एज द फ्रैटर्नल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। सो यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस बट डू रिवाइज द पार्ट वेरी प्रॉपरली हियर ऑल्सो, ओके। इसमें कंजॉइंट ट्विन्स नाम का एक कभी कभी हम देखते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं बता रहा हूं। इन मोनोजायगोटिक ट्विन्स देयर व्हाट हैपेंड देयर, इफ द टू सेल्स आर नॉट सेपरेटेड एंड दे रिमेन अटैच एट सम पॉइंट, तो आखिरी तक वैसा ही हो जाता है। Even that fetus will also remain attached, that babies at the time of birth also remain attached, either at the chest or at the legs or at the head. तो ऐसे हमने तो देखो, आप गूगल पे सर्च मारो, they are called the conjoint twins, और बिल्कुल बड़े उम्र तक वो ग्रो होते साथ साथ, तो उनकी स्टोरी भी आप कभी गूगल पे देखो। So definitely you must have understood the part. Here I declare that we have finished the part of reproduction system and the next lecture we shall start another. So thanks a lot.